आगे बात जम्मू कश्मीर पुलिस की भी करते हैं। सलामती सूरत हाल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मर्द पुलिस एहलकार हैं उनके साथ खवातीन का रोल भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर क्या होना चाहिए, इस पर जब सालाना कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बल्कि कौमी कॉन्फ्रेंस, गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस लखनऊ के अंदर भी हुई, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और कई सिफारिशात यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने रखी गई। लेकिन साल था 2016, गुड़गांव हरियाणा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त, जो कि होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी, जनवरी के महीने में बीपीआरडी की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कुछ सिफारिशात रखी गई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया था कि खवातीन के लिए रिजर्व कोटा जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर होना चाहिए था। और वो दिन और ये दिन यानी साल 2016 में गुड़गांव में जनवरी के महीने के अंदर ये इजलास होता है, कौमी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आज 2021 खत्म होने जा रहा है, खवातीन के साथ अभी तक एक तरह से ये कहें कि इंसाफ नहीं हो सका और साल 2016 में पेश की गई सिफारिशात पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान या महकमा दाखिला अभी तक काम नहीं कर सका, जिसकी बुनियाद पर जो खवातीन के लिए रिजर्वेशन का इंतजार था वो 5 बरसों के मजीद इस तवील अरसे के बाद भी और भी लंबा होता जा रहा है। खवातीन को भी एक कोटा देकर 33% रिजर्वेशन के तहत उनकी तैनाती या उनकी भर्तियां जो है पुलिस के अंदर क्याम अमल में लाई जानी थी, लेकिन 5 बरसों तक इस पर जो सिफारिशात वहां पर रखी गई थी उन पर अभी तक मुख्तलिफ सतहों पर ये तैनातियां होनी थी वो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं 5 बरसों के बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर। यानी एक तरफ से 33% रिजर्वेशन जो बाजाबता तौर पर 2016 की कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जनाब हर एक रियासत जो है वो 33% में काम करेगी, जम्मू कश्मीर आते आते इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया, नंबर वन। नंबर दो जो एक और अहम मेरी नज़र में आया है वो ये था कि जनाब इस इजलास के दौरान जो गुड़गांव में सन 2016 में हुआ था इसमें यह भी कहा गया था कि SHOs की तैनाती यानी स्टेशन हाउस ऑफिसरों की तैनाती ख्वातीन पुलिस अमला भी कर सकता है, यानी ख्वातीन SHO भी लग सकती है और कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर ख्वातीन SHO का लगना और ज़्यादा अहम बनता है क्योंकि ख्वातीन कन्फ्लिक्ट का शिकार है और वो अपनी रुदात शायद मर्द अफसर से ना बता पाए, इसलिए यहाँ पर रूटीन पुलिसिंग के लिए भी SHO जो है वो ख्वातीन तैनात हो वो भी लगभग ना के बराबर है। हमारी जो ख्वातीन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ज़रूर ख्वातीन SHOs हैं या कई मकाम और कुछ एडिशनल डिप्लॉयमेंट के तौर पर आप ख्वातीन को देखते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए और उनको SHOs की तैनाती तक लाया जाए ताकि वो नीचे रसाई ले सके, उस पर भी ज़्यादा कोई काम जो है वो नहीं हो पाया है। और तीसरी बड़ी बात जो इंटरनल मैनेजमेंट की बात थी कि कम से कम जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख्वातीन के ज़रिए से हल हो सकती हैं, यानी ख्वातीन के मामलात हो या लॉ एंड ऑर्डर के दौरान जब ख्वातीन बाहर आती है तो बजाय जनाना पुलिस अगर जनाना पुलिस अफसर भी वहाँ पर हो तो उससे बेहतरी जो है वो हो सकती है, उस पर भी ज़्यादा कोई बात जो है वो नहीं हुई। और उसके साथ साथ फिर एक टाइम फिक्चर किया गया था कि देखिए अगर ख्वातीन अफसर है तो उसकी तैनाती ऐसे कीजिएगा ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो, वो उसे भी देख सके, वो अपना फ़र्ज मनसबी भी अदा कर सके, लेकिन शायद ये जो बैक टू बैक कुछ तजवीज़ें आई थी वो पूरी नहीं हुई और कोई भी बड़ा बदलाव जो है सन 2016 की कॉन्फ्रेंस के बाद इस हवाले से देखने को नहीं मिला है। ये चीज़ जो कि डिस्कस हुई है लखनऊ के अंदर भी जो इसी महीने कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर भी कि ख्वातीन के लिए मजीद पुलिस स्टेशन का क्याम इसको यकीनी बनाया जाए, हालांकि पुलिस इंतजाम की तरफ से पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने तमाम वो फिगर्स जो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं खुल सका, लेकिन जिन एरियाज के अंदर खुले हैं डूडा उनमें शामिल है, जम्मू के अंदर है, पुंछ के अंदर, तो वो सारी तफसीलात उनके सामने रखी गई हैं, मगर ख्वातीन को भी पुलिसिंग का हिस्सा बनाने के लिए और ख्वातीन से जुड़े मामलात को फौरी तौर पर उनके निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर केसेस का हल हो सके इसके लिए बहुत जल्द इस पर काम होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर लखनऊ के अंदर भी DGPs की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सालाना कॉन्फ्रेंस में।